खबर उत्तर प्रदेश अयोध्या से। रामलला दर्शन मार्ग व हनुमानगढ़ी पर श्रद्धालुओं की सोने की चैन की छीनने का मामला, थाना राम जन्म भूमि पुलिस ने किया मामले का खुलासा। 16 बदमाश गिरफ्तार, 11 सोने की चैन बरामद, 21 लाख रुपए की कीमत की सोने की चैन, 355 ग्राम की है बरामद हुई 11 सोने की चैन। अयोध्या पुलिस ने कोतवाली नगर के पुलिस लाइन ओवरब्रिज के पास से किया गिरफ्तार। 10 फरवरी को थाना राम जन्म भूमि में 5 मुकदमे हुए थे दर्ज। भीड़ में श्रद्धालु बनकर पहुंचे थे बदमाश, महिला श्रद्धालुओं के गले से खींची थी चैन, एक इनोवा कार व 3 स्कॉर्पियो भी बरामद। पकड़े गए बदमाश बिहार के बेतिया पूर्व चपरण मोतिहारी व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले सभी बदमाश। बनारस में मथुरा में भी श्रद्धालुओं को बना चुके अपना शिकार। श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसकर श्रद्धालुओं के गले से खींचते सोने की चैन। दूसरे व तीसरे व चौथे बदमाश के हाथ में पहुंच जाती है सोने की चैन, पकड़े जाने पर भी नहीं होती है बरामद। 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिनांक 10 फरवरी को राम जन्म भूमि व हनुमान गढ़ी दर्शन मार्ग पर इस तरह की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई कि श्रद्धालुगण के साथ चेन व मंगलसूत्र चोरी किया गया है। भीड़ काफ़ी चल रही थी, भीड़ में ही गैंग सक्रिय था और इस तरह की मल्टीपल कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुई। तत्काल संबंधित थाने राम जन्म भूमि पर अभियोग पंजीकृत किए गए और हमारी एक टीम, चूँकि हमारा ये मानना था कि कोई गैंग सक्रिय होगा क्योंकि घटनाएं काफ़ी रिपोर्ट हुई थी उस दिन, तो हमारी टीम तब से ही अनावरण की दिशा में लग गई थी। कल रात को हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई। जरिए मुखबिर हमें यह सूचना मिली कि कुल काफ़ी संख्या में लोग एकत्र हैं हमारे पुलिस लाइन के पास, जो जेल है, जेल के बगल में जो रेलवे ओवरब्रिज है उसके दाहिने साइड पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं। हमारी टीम मौके पर पहुंची, उनसे पूछताछ की, जामा तलाशी ली गई, तो पुलिस को पूछताछ में यह समझ में आया, पता जानकारी में आया कि ये अधिकांश लोग इनमें से बिहार के बेतिया व मोतिहारी के रहने वाले हैं, कि जामा तलाशी में इनके पास से कुल 11 सोने की चेन जिसका कुल वजन 355 ग्राम और कीमत 21 लाख के आसपास है बरामद हुई। पूछताछ में इन्होंने जो घटना हमारी 10 तारीख को हुई थी चेन व मंगलसूत्र चोरी की स्वीकार की। इस संबंध में कुल 5 मुकदमे राम जन्म भूमि पर पंजीकृत थे जिनका अनावरण सफल हुआ। इसके अलावा इनके जानकारी में इनके पास से एक इनोवा और 3 स्कॉर्पियो बरामद हुई। इनका कहना था कि जहां पर भी इस तरह के आयोजन होते हैं जिस पर ज़्यादा भीड़ होती है, मथुरा और बनारस में पहले ये गए हैं, मंदिरों के आसपास ये ज़्यादा रहते हैं जहाँ भीड़ रहती है श्रद्धालुगण की, जहाँ से इनको संभावना रहती है कि ये सोने की चेन और मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे। और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि इनके 4-5-6 लोग एक साथ रहते हैं, श्रद्धालु बनकर ही ये भीड़ में रहते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में चेन जाती है। फिर मौके पर यदि आप इनको पकड़ भी लें तब भी इनके पास से चेन बरामद नहीं हो पाती है। इन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी जगहों को ही टारगेट करते हैं जहाँ श्रद्धालु काफ़ी संख्या में रहें, भीड़ का ये लाभ लेते हैं। और इस गैंग के कुल 16 सदस्य पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ हम कोर्ट में भी जल्दी साक्ष्य के क्रम में विवेचना का निस्तारण कर कोर्ट में भी पैरवी कराकर कड़ी से कड़ी सजा अभियुक्तगण को हम दिलाएंगे। इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही, चूँकि इनका मूवमेंट बहुत रहता है, देखा गया है, काफ़ी हम लोगों ने पूछताछ की है, इन्होंने स्वीकार किया है कि बनारस और मथुरा भी ये जाते रहे, इसके अलावा भी और जगह पर भी इनका मूवमेंट रहा है। हम उन जनपदों से निरंतर संपर्क में हैं, आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।